सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर में, जो कि नेपाल का काफ़ी फेमस एक मंदिर है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी बड़ी शिव मंदिर चारों ही है, जो कि दो नेपाल में है और दो इंडिया में है, जो कि दो नेपाल में से एक पशुपतिनाथ मंदिर है और एक मुक्तिनाथ मंदिर है। तो आज हम लोग आ चुके हैं मुक्तिनाथ मंदिर में। तो दोस्तों, यहाँ पर 108 धाराएं हैं जहाँ से कंटिन्यूसली पानी बहती रहती है। अब ये भी कहा जाता है कि ये 108 धारा के पानी से जो कोई नहाने में सफल होता है तो उसका हर एक विश पूरा होता है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आए भी इसीलिए है, जो कि ये 108 धाराएं आप जो देख रहे हैं यहाँ पे नहाने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, मैं भी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर नहाऊँगा, जो कि 108 धारा के पानी से नहाऊँगा, ताकि मेरा भी जो फ्यूचर का जो प्लान है, जो भी विशेष है, वो सब पूरा हो। सो दोस्तों, मैं आपको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भविष्य में कभी भी यहाँ पर आए तो आप भी ज़रूर ना के जाइए, ताकि आपका भी गुड लक हो, विशेष पूरा हो। तो दोस्तों, चलिए नहाने के लिए चलते हैं। नहाने जा रहा है यार, मिस्टर विपद जा रहा है नहाने के लिए। मैं तो तैयार हो चुका हूँ, थोड़ा ये लेजी हो रहा है, तो लेट्स गो। फाइनली गाइस, मैं नहा चुका हूँ 108 धारा के पानी से, और मैं अभी यहाँ पर आके कपड़े वपड़े चेंज करके मैं अभी यहाँ पर इसका वीडियो ले रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों दौड़ रहा था। दोस्तों, पानी इतना ठंडा था जिसकी वजह से मुझे दौड़ दौड़ के भागना पड़ा, मुझे भाग भाग के नहाना पड़ा। तो गाइस, ये काफ़ी ठंड पानी है और जिससे मतलब किसी को स्ट्रोक भी हो सकता है। और जैसे ही मैंने डुबकी मारा तो इतना ठंड था दोस्तों, इतना ठंड था, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। सो गाइस, आप भी अगर यहाँ पर आके ये जो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो उस टास्क कंप्लीट करने के बाद में इतना मतलब अंदर से अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अभी मैं ये पानी भरने वाला हूँ, जहाँ से ये पानी 108 धारा के पानी में ले जाके घर में रखूँगा। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ में, और ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा आने वाला ऐसे ब्लॉग आपको मिस ना हो।